हरिओम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम हो गया है और अभी हम घर में हैं, तो अभी लिट्टी चोखा बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में। तो चलिए उसी का सामान लेकर आते हैं। तो अभी धनिया पत्ता देखिए यहाँ पर है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा सूख गया है, तो अभी बारिश लेकर आते हैं। तो दोस्तों अभी घर के पीछे जो बारी है वहाँ पर जाते हैं और धनिया पत्ता लेकर आते हैं। तो धनिया पत्ता खोजते हैं बारी में और ये रहा धनिया पत्ता, चलिए उखाड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश, तो बड़ा बड़ा धनिया उखाड़ लेते हैं, केवल इतना में हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो प्याज अब निकाल लेते हैं से काटने के लिए, उसके बाद सत्तू लेकर आएंगे दुकान से। दोस्तों अभी सत्तू सना गया है, तो अभी यहाँ पर चूल्हा जला दिए, तो अभी आग होने देते हैं, उसके बाद फिर लिट्टी बनाकर यहाँ पर डालेंगे और पकाएंगे। तो अभी टमाटर और आलू को डाल देते हैं आग में पकने के लिए। हैं? नहीं, आग में पकाबो। तो अभी यहाँ पर आलू और टमाटर पक रहा है और ऊपर में घाटा सीज रहा है। तो अभी जाते हैं और आटा में सत्तू भरते हैं और अभी लाते हैं और यहाँ पर पकाना शुरू करते हैं। अब आटा में अब सत्तू भरना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आटा भी क्योंकि सना गया है। तो दोस्तों अभी इतना लिट्टी बन गया, तो चलिए इसको आग में डाल कर आते हैं। We'll be right back.
तो दोस्तों अभी सभी लिट्टी को डाल दी आग में। तो चलिए अब यहाँ पर जो टमाटर और आलू पकाए थे उसको अभी चटनी बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी लिट्टी चोखा बनके कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब खाते हैं। दोस्तों अभी हम खाना खाकर छत के ऊपर आ गए हैं, तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।